आज मेरे साथ आए हैं एक ऐसे व्यक्ति जो जिन्होंने हस्तिनापुर के अलावा मांगी तुंगी में 108 फीट भगवान आदिनाथ की जो प्रतिमा का निर्माण हुआ उसके पीछे माता ज्ञानमती माता जी के बाद अगर किसी का हाथ है तो वो स्वामी जी का हाथ है। और आज इस मौके पे मांगी तुंगी से यहाँ पधारे हैं। स्वामी जी नमस्ते, आपको कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? भगवान बाहुबली स्वामी जो 1036 साल से यहाँ पर खड़े हैं, विराजमान हैं, आज हमारे दिगंबर जैन समाज की शान है। हर 12 वर्ष में यहाँ पर मस्तिकाभिषेक होता है, देश और विदेश के लोग यहाँ पर आते हैं और दिगंबरत्व को देख करके जाते हैं, चाहे जैन हो जैनेतर हो, सभी के ऊपर में दिगंबर जैन धर्म क्या है ये बाहुबली भगवान का संदेश 1000 साल से लगातार सबको प्राप्त हो रहा है। भगवान बाहुबली का जन्म अयोध्या में हुआ और उनके पिता भगवान ऋषभदेव का जन्म भी अयोध्या में हुआ। भगवान ऋषभदेव ने ऐसे दो पुत्र पैदा किए, भरत और बाहुबली, जो चक्रवर्ती और कामदेव रहे, और भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा और बाहुबली की इस प्रतिमा से दिगंबरत्व की शान बढ़ी। आज उन्हीं के पिता भगवान ऋषभदेव 108 फीट के जो मांगी तुंगी के अंदर दक्षिण भारत में ही खड़े हैं, महाराष्ट्र के अंदर हैं, एक माँ के कहने से चामुंडराय ने भगवान बाहुबली को बनाया था और एक माँ ज्ञानमती माता जी हैं जिनको समाज ने साथ दिया, माता जी की भावना हुई और पूरा दिगंबर जैन समाज लग गया 108 फीट के भगवान ऋषभदेव को तैयार करने में। भगवान बन गए, प्रतिष्ठा हुई, अलौकिक प्रतिष्ठा हुई, लोगों के मुंह से आज भी निकलता है न भूतो न भविष्यति, इतनी शानदार, इतने लोग आए, इतने ढंग से व्यवस्थित रूप से पंत कल्याणक वहाँ का संपन्न हुआ। जब याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम लोगों ने कैसे इतने बड़े कार्यक्रम को किया था। आज मैं तो इसलिए खुश हूँ कि कभी पिता का आपसे होगा, कभी बेटे का होगा, बेटे का होगा, पिता का होगा, ये परंपरा सारे देश के अंदर हमारे दिगंबर जैन समाज की शान के रूप में चलती रहेगी। जब भगवान बाहुबली का अभिषेक होगा लोग यहाँ आएंगे, जब भगवान ऋषभदेव का अभिषेक होगा मांगी तुंगी जाएंगे। दोनों दक्षिण भारत के अंदर हैं और दोनों एक माँ के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से बने हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ और यही भगवान ऋषभदेव से प्रार्थना करता हूँ कि आपके दोनों पुत्र जिस प्रकार से उन्होंने चक्रवर्ती और कामदेव का पद प्राप्त किया, आपसे पहले बाहुबली मोक्ष गए, भगवान ऋषभदेव से पहले बाहुबली मोक्ष गए थे, तो ऐसे भगवान ऋषभदेव की कृपा, भगवान बाहुबली की कृपा सारे देश के अंदर पूरी जैन समाज में हमेशा बनी रहे, यही हमारी मंगल भावना है। तो ये थे स्वामी जी जिन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। और अगर अभी भी आपने श्रवण बेलटोला आने का मन नहीं बनाया है, अभी भी वक्त है, आप आए और अपनी जिंदगी को बनाएं। वाह जिंदगी।